अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं फातिमा मोज़म हूँ। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखना है। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई, यानी जो हम लोगों को इंडिकेट किए हुए हैं, गिवन किए हुए हैं, उन्हें ऑपरेशंस को हमने परफॉर्म करके इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर हमें माइनस का साइन नज़र आ रहा है, ये माइनस का साइन है, बाकी डिनोमिनेटर में हमने चेक करना है। यानी एलसीएम है, चूँकि ये फैक्टर वो है हमारे पास फ्रैक्शंस की फॉर्म है, फ्रैक्शंस हैं तो जब दरमियान में माइनस या प्लस हो तो हम लोगों को इसमें एलसीएम लेना पड़ता है। अब एलसीएम लेने के लिए एक चीज़ हमारे पास कॉमन सेंस की आ रही है, यहाँ पर 2x पॉजिटिव है तो यह नेगेटिव है, 3y यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव है। यानी अगर मैं इसका नेगेटिव साइन कॉमन लूँ तो ये दोनों हमारे पास बिल्कुल एक जैसी फॉर्म्स बन जाएंगी। तो इसके लिए मैं पहले ये काम करती हूँ, 15/2x-3y, ये वैसे का वैसे रहेगा 4y। अब ये वाला माइनस कॉमन और बाकी मेरे पास आ जाएगा 2x पॉजिटिव माइनस 3y नेगेटिव। अब ये और ये दोनों सेम साइन है, मीन्स ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह की फॉर्म बन गई। अब जब इस तरह की फॉर्म बन गई तो हमारे पास ये दोनों सेम आ गए। तो अगर यहाँ पे ये वाली चीज़ ही दूसरी दफ़ा होती तो हम लोगों को एक साथ लेना पड़ता, लेकिन ये अलग अलग है तो हम लोग ये एक दफ़ा ही लेंगे, यानी कॉमन ले लेंगे। क्या आ जाएगा, 2x-3y। अब ये और ये जब आपस में डिवाइड होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। जब कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर क्या बचेगा, 1 से इसको 15 को मल्टीप्लाई करें तो 15 1 15 ही आएगा। सेम हेयर, यहाँ पर भी ये कैंसिल होकर तो हमारे पास ये 4 1 4 आ जाएगा, 15+4 हमारे पास 19 होता है। साथ नीचे यही वाली टर्म आ जाएगी और हमारा आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन है, वहाँ पे हमने काम करना है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू है, अब यहाँ पे है 1+2x/1-2x, माइनस है दरम्यान में, फिर आगे 1-2x/1+2x, यानी आपस में ऑपोजिट साइंस है। एक दफ़ा यहाँ अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। और यहाँ पे अगर हमारे पास नेगेटिव है तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। अब आगे हम लोगों ने जब एलसीएम लेना है, एलसीएम में ये दोनों आपस में बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें हैं। जब ये ऑपोजिट चीज़ें होंगी तो हम लोगों ने क्या करना है, दोनों को एक एक दफ़ा लिख लिया। जब लिख लिया, अब इस पूरे को ऊपर रखना है और इसको नीचे रखना है, तो ये और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब ये दो आपस में कैंसिल हो गए तो पीछे जो चीज़ बची है वो हम लोगों ने, यानी 1+2x ये वाली चीज़, इसको हम लोगों ने इस ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे 2 × 2 को हम कहते हैं 2 का स्क्वायर, तो इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा, 1+2x का होल स्क्वायर, यानी 2 × 2 को हम कहेंगे 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी क्या है, 1+2x का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसी तरह से ये वाली आपस में कैंसिल होगी, 1-2x ये वाली और ये वाली ये मिलेंगे, तो 1-2x आ गया इसका होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे, कौन सा फार्मूला है, एस a+b होल स्क्वायर, किसके इक्वल होगा, a² + 2ab + b²। दूसरा फार्मूला है a-b होल स्क्वायर, स्क्वायर प्रोडक्ट टर्म के साथ नेगेटिव और बाकी हमारे पास पॉजिटिव स्क्वायर टर्म्स। उनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म यहाँ पे ये है और सेकंड टर्म ये है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेंगे तो 1, ठीक। अब यहाँ पे ये प्लस है तो पॉजिटिव 2 आएगा, 2 × 1 × 2x, और प्लस 2x ब्रैकेट में लिखें ताकि आसानी रहे इसका होल स्क्वायर, ये बड़ी ब्रैकेट लगाइए ताकि आगे आसानी रहे, नेगेटिव साइन। आगे काम होगा हमारे पास, ये माइनस का स्क्वायर तो सेकंड वाला फार्मूला आएगा, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस का साइन प्रोडक्ट के टर्म के साथ, ड्यू टू दिस हमारे पास 1 × 2x, साथ आ जाएगा हमारे पास प्लस, प्रोडक्ट स्क्वायर टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव, 2x का होल स्क्वायर। अब फिर ये बड़ी पैकेट आके ओवर, नीचे हमारे पास ये वाली चीज़ है, इस पर मैं फार्मूला अलग लगा देती हूँ या यहीं लिख देती हूँ, a² - b² किसके इक्वल होगा, a+b और a-b। यही चीज़ है, एक बार ये माइनस के साथ और एक बार ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको हम देखेंगे,
मल्टीप्लाई करते हैं, 1 + 2 2 = 4, क्योंकि 2 1 = 2 तो वही आएगा, फिर आगे 2 2 = 4x प्लस 2 का स्क्वायर अलग 4 और x का स्क्वायर लेंगे तो 4x² आ जाएगा। माइनस का साइन वैसे ये भी मैं इसको ब्रैकेट में लिख रही हूँ। इधर करेंगे फिर इसी तरह से 1 - 4x + 4x² अब मैंने क्या करना है, ऊपर साइन सिर्फ खोलना है। यहाँ पे क्या है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये 4x² हो गया, 1 + 4x + 4x², ये नेगेटिव साइन है, अंदर वाले सारे साइंस चेंज हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है ये वो नेगेटिव, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। हमारे पास आ जाएगा -1 + 4x - 4x² ओवर में हमारे पास डिनोमिनेटर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल, 4x के ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा, ये 4x और ये 4x मिल के बन जाएंगे 8x बाय 1 - 4x² आंसर। फिर देखें इस क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास ऑपोजिट साइंस थे, एलसीएम लिया, दोनों एक दफ़ा लिख दिए। अब इसको ऊपर रखना है और इसको नीचे, डिनोमिनेटर को आपस में डिवाइड करना है, डी डी ये और ये कैंसिल हो गए, ये बच गया, ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास स्क्वायर में, इसी तरह से यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गए तो ये और ये रिमेनिंग को आपस में मल्टीप्लाई करके तो ये आ गया। फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा के हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में लिखा और उसको सिंप्लीफाई करके आंसर लिख दिया। बच्चे ये क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास यही वैल्यूज थी, यहाँ पे ये वाली आपने देखा, ये भी स्क्वायर टर्म है, ये भी 25 5 का स्क्वायर होता है, 36 6 का होता है, दरमियान में नेगेटिव साइंस था तो मैंने इनको इस फॉर्मेशन में दे दिया, फार्मूला लगाया और इनकी वैल्यूज़ को इस फॉर्मेशन में दे दिया, क्योंकि एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार ये टर्म्स पॉजिटिव के साथ और एक बार नेगेटिव, सेम केस विद दिस। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, एलसीएम लिया है, माइनस का साइन लेके, ठीक है, ये चीज़ ऑलरेडी इसके अंदर फिट हो रही है, x प्लस 6 यानी ये कॉमन आ गया, x प्लस 6 और x माइनस 6 साथ आ गया। अब इसको मैंने डिवाइड करना है इसके साथ, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल होकर 1 आ रहा है, मतलब ये ऊपर वाली टर्म वैसे ही आ जाएगी जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है। यहाँ पे बात की जाए तो x प्लस 6 तो कैंसिल हो रहा है, लेकिन x माइनस 6 रह रहा है, जो रह रहा है उसको हम लोगों ने इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया और ये चीज़ आ गई, ठीक, माइनस का साइन वैसे का वैसे ही लगाया। अब आपने देखा x प्लस 5 इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, इन दोनों को मैंने लेके कॉमन कर लिया, बाकी ब्रैकेट में जो रिमेनिंग टर्म्स थी वो लिखी, ये साइन लगाया और ये किया। अब इस साइन की वजह से ये तो वैसे ही है, लेकिन ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कैंसिल हो गया, x और x कैंसिल, 6 में से 5 निकालें तो आंसर 1 आ जाता है, बाकी हमने वैसे ही लिखना है। अब सवाल ये है कि ये वाली चीज़ वही ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करते हुए x² - 36 वाली फॉर्मेशन में इसको ले जाएंगे, ये आ गया और ये हमारे पास 1 था, वही चीज़ होती है तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हो गया हमारे पास 3 क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छी तरह करना है, हर क्वेश्चन कोशिश करना है 3-3 टाइम्स करें, 3 भी नहीं बल्कि 4-5 करने तो ज़्यादा मुनासिब है, अगर आपको पहले 2 ज़्यादा अच्छी तरह हो गए तो फिर तीसरा 3 टाइम्स कर लें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।